नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा में रिश्वत लेते पकड़े गए लिपिक को न्यायालय ने कारावास व अर्थदंड से दंडित किया है। फैसले के बाद आरोपी को पुलिस ने जेल पहुंचा दिया है। सिरमौर के महिला बाल विकास विभाग में पदस्थ सहायक ग्रेड 3 राजकुमार वर्मा ने महेंद्र तिवारी से रिश्वत की मांग की थी। बताया गया है कि उनके छोटे भाई की पत्नी का समूह चलता है, जिसका बिल भुगतान, रसोइयों का मानदेय, भवन का किराया देने के एवज में रिश्वत मांगी गई थी। पीड़ित ने इसकी शिकायत लोकायुक्त में की थी, जिस पर 5 जून 2018 को लोकायुक्त की टीम ने सिरमौर चौराहे में आरोपी को 2000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया था। इस पूरे मामले की जांच कर लोकायुक्त ने विशेष न्यायालय में चालान पेश किया था। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना और आरोपी लिपिक को रिश्वत लेने का दोषी मानते हुए उसको 4 वर्ष के कारावास व अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय के फैसले के बाद आरोपी को पुलिस ने अभिरक्षा में ले लिया है, जिसके बाद जेल में दाखिल करवा दिया गया है। इसमें एक सहायक ग्रेड 3 थे राजकुमार वर्मा जी, ये महिला बाल विकास सिरमौर में पदस्थ थे। इन्होंने रिश्वत मांगी थी, तो उसी के संबंध में आज माननीय विशेष न्यायालय श्री डॉक्टर मुकेश मलिक ने इस आरोपी को पीसी एक्ट की धारा 7 के अंतर्गत 3 वर्ष का कारावास और 2000 रुपए जुर्माना, धारा 13 के अंतर्गत 4 वर्ष का कारावास और 5000 रुपए जुर्माने के दंड से दंडित किया। मामला ये था, वर्ष 2018 का मामला है। महेंद्र तिवारी थे, महेंद्र तिवारी के छोटे भाई की पत्नी सीमा देवी, इनका अटल स्व सहायता समूह चलता था ग्राम पंचायत भरों में। तो उस अटल स्व सहायता समूह के मार्च और अप्रैल के 2 समूह चलते थे। उन 2 समूहों का बिल का भुगतान बकाया था और रसोइयों का वेतन, भवन का किराया, और इन्हीं के पंचायत में 5 और समूह चलते थे। तो इन सारे समूहों के लिए कुल 4850 रुपये, रसोइयों के वेतन, भवन के किराया, 4850 रुपये की मांग आरोपी ने की थी, जिसकी शिकायत महेंद्र तिवारी ने माननीय पुलिस अधीक्षक से की। पुलिस अधीक्षक जी ने उसमें जांच कराई, जांच में शिकायत सही पाई गई। फिर 5/5/2018 को ट्रैप आयोजित किया गया। जब ट्रैप इसका सिरमौर चौराहे में हुआ, राजकुमार वर्मा बस स्टॉप पर आए और उन्होंने शिकायतकर्ता से रिश्वती रुपए लिए, उसी समय ट्रैप दल इनको पकड़ लिया था। मामला माननीय विशेष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें आज इसको सजा दी गई।